नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पर्वत जिला के कुसमा नगर पालिका में बस दुर्घटना, 7 गोटे की मृत्यु, 4 गोटे के शनाख्त भ चुकल। मंत्री से सचिवों पर पीटपाट भेल, आरोप लगवेत कर्मचारी संगठन के आह्वान विरोध, पेन डाउन का कामकाज ठप। नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सबसे पार्टी सभापति देवाक निवास आगे धरना, महाधिवेशन के म्याद बढ़ाओ गेल पर विरोध। कानूनी आधार बिना विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका जारी केने संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिक निष्कर्ष। आर इटालियन सुपर कप के फाइनल में युवेंटस के जीत। आप समाचार विस्तार से। पर्वत जिला के कुसमा नगर पालिका 1 के माल ढुंगा में बस दुर्घटना भेला से 7 गोटे के मृत्यु भेल में से 4 गोटे के शनाख्त भ चुकल है। वही दुर्घटना में पड़कर मृत्यु भेल में म्यागदी पाखापानी 1 रहनिहार 21 वर्षक राजेश पुन, पर्वत जलजला गांव पालिका 8 रहनिहार 40 वर्षक सेती परियार, हुनक पति 50 वर्षक टीके परियार आ बागलुंग नगर पालिका 4 के 48 वर्षक शांति केसी के शनाख्त भेल। पर्वत जिला प्रहरी कार्यालय पर्वत जनौलक अछि। मृत्यु होबय वाला और 2 पुरुष आ 1 महिला शनाख्त होबय बाकी रहल अछि। दुर्घटना में घायल भेल 30 में से 20 के पोखरा के मणिपाल शिक्षण अस्पताल आ 2 गोटे के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू स्थित ग्रैंडी अस्पताल भेजल गेल। पर्वत के प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी देलन। अज्ञात समूह गोली प्रहार से काल सांझ 1 प्रहरी हवलदार गंभीर घायल भेल अछि। सप्तरिक खड़ग नगर पालिका 7 स्थित बिशनपुर चौक में गश्ती कर रहल समय प्रहरी हवलदार महेंद्र प्रसाद यादव के मोटरसाइकिल में आयल अज्ञात समूह गोली प्रहार कक फरार भेल। कल्याणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्याल जानकारी देलन। घायल हवलदार यादव के इलाजक लेल विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल भेजल गेल अछि। एम्हर गोली प्रहार क फरार भेल सबक खोजी भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। सुनसरी के धोबी में मोटरसाइकिल सहित डूबल अवस्था में 1 व्यक्ति के शव भेटल अछि। धोबी नगर पालिका वार्ड 10 सिमरिया सुनसरी मोरंग सिंचाई किनार में मोटरसाइकिल सहित गढ़ी गांव पालिका वार्ड 5 के अंदाजी 35 वर्षक लक्ष्मण खा के शव भेटल अछि। को 33P2194 नंबरक मोटरसाइकिल सहित पानि में डूबल अवस्था में प्रहरी के भोरे शव भेटल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी भेटल सब मापसे सेवन क अनियंत्रित भक किनार में खसल होब सकबाक अनुमान कयलक अछि। प्रदेश दुहक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव के कार्यवाही के मांग करैत कर्मचारी सब आंदोलन जारी रखलक अछि। प्रदेश दू के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा के मारपीट तथा गाली गलौज केने कहित धनुषाक सरकारी कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल अछि। निजामती कर्मचारी सबक आधिकारिक ट्रेड यूनियन धनुषाक अगुवाई में ओ सब आइ भोरे 10 बजे से 12 बजे धरि पेन डाउन केलक अछि। कार्यालय खुजबाक समय में कर्मचारी सब पेन डाउन केला से सेवाग्राही सब समस्या में पड़ल अछि। कर्मचारी सब आरोपी ऊपर कार्यवाही नहीं भेला पर काल दोपहर 10 बजे से 1 बजे धरि पेन डाउन करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सबसे पार्टी सभापति देवाक निवास आगा धरना, महाधिवेशन के म्याद बढ़ाओल गेल पर विरोध। कानूनी आधार बिने विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका जारी केने संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति के निर्देश। इटालियन सुपर कप के फाइनल में युवेंटस के जीत। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशी मंत्री से सचिव ऊपर के आक्रमण अलोकतांत्रिक कार्य भेल बतौलने अछि। नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा केने पत्रकार सम्मेलन में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य जोशी प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा ऊपर आक्रमण भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण भेल बतौलन। ओ अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता दबाव के लेल सचिव झा ऊपर आक्रमण भेल कहित ई कार्य लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भेल बतौलन अछि। आम कांग्रेस को एउटै बोली एउटै किसिमले आम कांग्रेस अगाडि बढ्छ त कांग्रेस साथीहरू अगाडि बढ्ने कुराहरू अनुशासित रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी त्यो अहिलेको वास्तवमा हाम्रा बिचका बहस छलफलका विषयहरू। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले एउटा विचारमा प्रष्टता, हाम्रो राजनीतिमा इमान्दारिता र कङ्ग्रेस भनेको के भने अव्यवस्थाका विरुद्धमा अहिले जुन अवस्था छ मैले अघि यहीँको कुरा गरेँ, मन्त्रीजीले चाहिँ ऊ गरेको आज कर्मचारीहरूको स्थिति के छ, जुन अवस्था छ अव्यवस्थाका विरुद्धमा काङ्ग्रेस, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा काङ्ग्रेस र जनतालाई
सुनिश्चित भविष्यदेखि काङ्ग्रेसका रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै नेता जोशी संघीयता तथा प्रजातन्त्र में केकरो स्वतंत्रता दबाव तथा हाथपात करवाक अधिकार ककरो नहीं रहल बतौलन। संघीय सरकार जेहन प्रदेश सरकार से हो दमनकारी नीति लग आगा बढ़ल आरोप समेत लगौलन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनसाक सभापति महेश शंकर गिरी, उपसभापति संतोष यादव, सचिव विशेश्वर यादव, प्रवेश चौधरी, नेपाल प्रेस यूनियन धनसाक अध्यक्ष राजन कुमार सिंह लगायत के सहभागिता छ। हुलाकी सड़क संघर्ष समितिक नेतृत्व में धनसाक जनकपुर धाम में अनिश्चितकालीन रिले अनशन जारी है। जनकपुर धाम में समिति की अगुवाई में शुरू हुए रिले अनशन अंतर्गत समिति के धनुषा संयोजक इंद्रदेव यादव सहित 5 गोटे अनशन में बैसल है। सिरहा आ धनुषा के जोड़े वाला कमला तथा सिरहा आ सप्तरी जोड़े वाला बलान पुल निर्माण में विलम्ब भेला बाद आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब बतौलक। सर्वसाधारण तथा स्थानीयवासी के समस्या भोग पड़ल कहे तो वो सब जल्दी पुल निर्माण कर आग्रह कलक। कमला में पड़े वाला 470 मीटर लंबा पुलक 35% काज मात्र पूरा भेल अछि आ बलान पुलक काज सेहो अड़कल हुनक सभक आरोप अछि। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ म्याद बढ़ाओल गेल विरोध में नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सब पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाक निवास में धरना देलक अछि। मोटरसाइकिल रैली सहित देवा निवास बूढ़ा नीलकंठ पहुँच कर दर्जनों नेता कार्यकर्ता सब धरना देलक अछि। नेवी संघ के झंडा बोकने वो सब नेवी संघ जिंदाबाद के नारा लगौने छल। दर्जनों संख्या में नेवी संघ कार्यकर्ता सब जमा भेला बाद देवा निवास आसपास सुरक्षा तैनाती बढ़ाओल गेल अछि। विधान अनुसार बुध के रात 12 बजे बाद नेवी संघ के म्याद छल, मुदा कांग्रेसक तत्काल के हाल के कार्य समिति के निरंतरता देने अछि। बेर बेर म्याद बढ़ाओल गेलो पर महाधिवेशन कर नहीं सकल कार्य समिति के निरंतरता देव नहीं हेबा कहत नेवी संघ के किछ नेता कार्यकर्ता सब विरोध में अछि। नेवी संघ के उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव, पुष्प शाही आ विकास केसी, महामंत्री सरोज थापा, सह महामंत्री सब प्रकाश घिमिरे, अच्युत केसी आ प्रेम जोशी बीतल 27 गते से पद से राजीनामा से हो द चुकल अछि। कानून के आधार बिना विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका जारी केने पाओल गेल अछि। संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति कानूनी आधार के बिना विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि, आदेश जारी केने निष्कर्ष निकालक अछि। समितिक आजुक बैसार में समिति के सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधान आ कानूनी आधार बिना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय सहितक 2 मंत्रालय 20 से बेसी निर्देशिका जारी केने पाओल गेल जानकारी देलनि अछि। संविधान मंत्रालय सबसे तैयार हो वाला निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावली कानूनी आधार में तैयार करे पड़ते हैं, मुदा समिति कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय जारी केने 20 से बेसी निर्देशिका कानून आधार बिने तैयार कैल गेल कहत समिति के सदस्य अधिकारी बतौलने। तर त्यो 20 निर्देशिकाको कानूनी आधार के हो भन्ने हेर्दाखेरि 9-10 जेमा कानूनी आधार टेकेको छ त्यो पनि मिल्या देखिँदैन। अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्नु छ भने 10 जतिमा त कानुनी आधारै टेकिएको छैन, तर त्यो चाहिँ कानुन सरह नै लागू गर्ने चाहिँ कोसिसहरू भइराखेका छन्। यदि त्यो कानुन सरह लागू गर्ने हो र कानुन बेगर चाहिँ बनाइरहेछ भने त्यो त प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गतको भएन, हुन पुगेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीले हेर्नु पर्ने देखियो, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 2 मन्त्रालयको हेर्दाखेरि हामीले सबभन्दा समस्या कहाँ आयो भन्नुहुन्छ भने प्रत्यायोजित अधिकार यदि चाहिँ संसदले दिएको छ भनेदेखि त्यसको पनि प्रत्यायोजित अधिकार चाहिँ अर्काले प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने सैद्धान्तिक पक्ष छ।
तर यहाँ के भएको देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नियमावलीसँग बनाउन त कुनै गाह्रो भएन तर नियमावली अन्तर्गत फेरि नियमावली अन्तर्गत भनेर कुनै निर्देशिका बनाएको छ कहीँ आदेश जारी भएको छ कहीँ कार्यविधि जारी भएको छ यस किसिमको काम कारवाहीहरू प्रशस्त भएको देखियो विभिन्न मन्त्रालयबाट भएको देखियो भन्नाले त हाम्रो जुन कानुन बमोजिम शासन चलाउने जुन कुरा हो त्यो कुरामा यसले अवरोध गर्छ बाधा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको अब त्यो कुरामा हामीहरूले चाहिँ स्पष्टीकरणहरू लिइरहेका छौँ तर सबै ठाउँबाट चाहिँ कागजहरू नआइपुगेको कुराको आज रिपोर्ट भएको हो समिति कानुनी राज्य प्रत्याभूति दिलेबाको उद्देश्य छ कानुन बमोजिम निर्देशिका नियमावली कार्यविधि बनाबे सेहो सम्बन्धित मन्त्रालयके सचेत करेबाक तयारी कयलक अछि फाइबर प्रयोग कयल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरण भाड़ा दर में अस्वाभाविक वृद्धि के कहत इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था इस्पान आपत्ति जनौलक अछि इंटरनेट सेवा प्रदायक संघ काल राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कऽ प्राधिकरण बढ़ौने भाड़ा दर तीर नहीं सकबाक बतौलक अछि इंटरनेट सेवा प्रदायक संघक अध्यक्ष भोजराज भट्ट जानकारी आ परामर्श बिना प्राधिकरण एहि आर्थिक वर्ष फाइबर प्रयोग कयल बापत भाड़ा दर में 500 से 600% धरि वृद्धि के कहत आपत्ति जनौलनि ओ सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्रालय के नेतृत्व में सरोकार वाला निकाय के प्रतिनिधि रहल उच्च स्तरीय समिति बनाकर ओहि समिति के सुझावक आधार में भाड़ा दर निर्धारण कर से हो मांग कलन अब खेल समाचार युवेंटस इटालियन सुपर क्लब फुटबल के उपाधि जीतलक अछि काल रात सऊदी अरब में भेल इटालियन सुपर कप के फाइनल में एसी मिलान के पराजित करत युवेंटस कीर्तिमानी आठम बेर उपाधि जीतलक अछि युवेंटस एसी मिलान के 1-0 गोल अंतर से पराजित करत उपाधि हाथ पारलक अछि युवेंटस के जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो निर्णायक गोल केने छल पहिल हाफ में गोल रहित बराबरी खेलने युवेंटस दोसर हाफ में गोल कर सफल भेल छल खेल के 61 मिनट में रोनाल्डो गोल करत अग्रता दिलौने छल अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से पर्वत जिला के कुसमा नगर पालिका में बस दुर्घटना 7 गोटे के मृत्यु 4 गोटे के शनाख्त भ चुकल मंत्री से सचिव ऊपर पीटपाट भेल आरोप लगवैत कर्मचारी संगठनक आह्वान में विरोध पेन डाउन का कामकाज ठप नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सबसे पार्टी सभापति देवाक निवास आगे धरना महाधिवेशन के म्याद बढ़ाओ पर विरोध कानूनी आधार बिनाए विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका जारी केने संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति के निर्देश आ इटालियन सुपर कप के फाइनल में युवेंटस की जीत बेस्त अपन समाचार एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन नमस्कार